जनपद कन्नौज की गुरसाहेगंज कोतवाली क्षेत्र के तेरा रब्बू गांव में रहने वाली 18 वर्षीय स्वाति उर्फ मोती पुत्र राम नरेश सुबह खेतों की ओर शौच करने गई थी। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने आसपास पूछताछ की। शाम करीब 4 बजे पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ खेतों में ढूंढना शुरू किया। मक्के के खेत में एक पेड़ के पास युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। युवती के गले में रस्सी बंधी हुई थी, सलवार और चप्पलें शव के पास पड़ी थी। शव देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, एएसपी विनोद कुमार, सीओ सिटी श्रीकांत प्रजापति फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने दुष्कर्म के बाद या दुष्कर्म का विरोध करने पर गला घोटकर हत्या को अंजाम देने की आशंका जाहिर की है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए। एसपी ने बताया कि गांव के बाहर किशोरी का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला, गले में रस्सी फंसी हुई थी। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द खुलासे की बात कह रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है युवती का शौच पर जाने से पहले पड़ोसी युवक से विवाद हुआ था। मृतका के परिजनों ने बताया कि पड़ोसी युवक ने दरवाजे पर लगे सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर सब मर्सिबल की मोटर डाल रखी है। पानी भरने को लेकर बेटी से पड़ोसी ने गाली गलौज की थी। इस रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 3 पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। घटना स्थल से कुछ दूरी पर मृतका की चप्पल, इसके बाद कुछ दूरी पर उसके कपड़े मिले हैं। मौके पर गले में दुपट्टा पड़ा मिला। माना जा रहा है दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का कारण ज्ञात होगा। कन्नौज से अजय कुमार की रिपोर्ट। ये गुरसाहेगंज थाने के अंतर्गत तेरा रब्बू गांव है। वहाँ एक लड़की थी जिसकी उम्र करीबन 18 वर्ष है। वो सुबह अपने घर से शौच के लिए निकली हुई थी। शाम को करीबन 4 बजे के लगभग उसकी बॉडी मिली हुई है मक्के के खेत में, जिसमें हत्या का पूरा हुआ है, जिसमें हत्या उसकी की गई है। उसके पिताजी के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सर, जो शव मिला बताया जा रहा है अवस्था मिला हुआ है? हाँ, उसके कपड़े उसके शरीर से थोड़ा सा बिखरे हुए थे और कपड़े नहीं कम पाए गए हैं, जिसके बारे में अब फाइनल डिसीजन तभी दिया जा सकता है जब उसकी फॉरेंसिक या फिर उसका पीएम हो जाए। उस रेप की बात भी सामने आ रही है, कुछ लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन या फाइनल वक्तव्य तभी दिया जा सकता है जब तो उसका पीएम हो जाए या उसकी फॉरेंसिक डिटेल आ जाए। कितने लोग खिलाफ मुकदमा लिखा गया? 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, वो कहां रहने वाले? उसी गांव के रहने वाले हैं, नेम्ड है। यह हालत नगर मऊदहा के वार्ड नंबर 19 की है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर सागर के किनारे लगा हुआ है। नगर पालिका के इस वार्ड में लगभग सैकड़ों घर है, लेकिन यहां कोई विकास कार्य देखने को नहीं मिला। ना तो पक्की सड़कें हैं, ना जल निकासी की सुविधा। स्कूल तक नहीं जा पा रहे, कहां तक हम लोग स्कूल के नागे करवाएं? स्कूल से कम्प्लेन आ रही है और इतनी कीचड़ है कि एक पार रखने की दिक्कत है। जरा जरा से बच्चे बड़ा हो तो निकल जाए, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, ड्रेस आने के लिए आते हैं। बहुत कीचड़ होता है, बच्चे लोग कोचिंग जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, पैरों में बाटी लग जाता है, बहुत समस्या है। स्कूल नहीं जा पाते बच्चे लोग, बहुत पानी भरा, देखिए क्या हालात है यहाँ की गली। इसी वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और एक महिला डिग्री कॉलेज स्थित है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रोज निकलने चलने में जलभराव, सड़क ना बनी होने के कारण प्रतिदिन समस्याओं से जूझना पड़ता है। मनीषा प्रजापति, हम 7 बजे हम स्कूल जाते हैं तो पानी भर जाता है निकलने के लिए, तो जगह नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। कपड़े भी चप्पल गप जाती है, कपड़े भी खराब हो जाते हैं और कोचिंग के टाइम में तो गप दिए जाते। ये एरिया मऊदहा कस्बे के बड़े चौराहा का मेन एरिया है, जहां आज तक न तो नगर पालिका की तरफ से कोई काम हुआ और न ही सरकार की तरफ से यहां के लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में बड़े गड्ढों और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। यहां के लोगों का कहना है कि अगर इस साल रोड नहीं बना तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे आने वाले समय में। मऊदहा से राहुल राय की रिपोर्ट। बहुत बुरी समस्या है यहां, निकलना बच्चों का निकलना तो मुश्किल है, पढ़ने नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, कोई साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं निकल पाती है, और यहाँ के चेयरमैन SDM सब आँख मीच के बैठे हुए हैं, कोई हमारी बात को सुनने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ अगर वो पक्का रोड ना बना सके तो कम से कम गिट्टी मोरम पत्थर कुछ भी डलवा दें कि बच्चे निकल सकें, स्कूल जा सकें, हम लोग अपने व्यवसाय के लिए निकल सकें। कोई समस्या नहीं हमारी हल हो रही है, जल भराव जो रास्ते में होता है पूरा जल भराव होता है, जरा सी बारिश हो जाए तो घुटनों से हल कर निकलना पड़ता है। ऐसी स्थिति देख लीजिए कि आप सब लोग
खड़े हुए हैं बेचारे। बस्ती है, मकान बने हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है और बहुत गंदगी है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यहाँ देखो तो गंदगी का आवाज़ लगा हुआ है। तो हम गुजारिश करें कि जो यहाँ के SDM है या अन्य अधिकारी हैं, यहाँ आकर के देखें और यहाँ जो जनता जूझ रही है इस स्थिति को संभालें और सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। कल हुड्डा रोहतक पे परिवर्तन रैली कर रहे हैं और क्यास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा कल अपनी पार्टी बना सकते हैं। हुड्डा द्वारा अपनी पार्टी बनाए जाने के कयासों पर विज ने हुड्डा पर तीखा हमला बोला। विज ने कहा, पार्टी बदलने से आदमी नहीं बदलेगा, ये वही हुड्डा रहेगा जिस पर भ्रष्टाचार के केस है, ये वही हुड्डा रहेगा जिसे जेल में जाना है। विज ने इसके बाद बालाकोट हमले पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं को हिंदुस्तान से माफी मांगने को कहा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान के बालाकोट पर जबरदस्त हमला हुआ था। हरियाणा से राजीव मेहता की रिपोर्ट। देखा वो हाल है कि कुछ सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, ये तो हुड्डे की जान फंसी हुई है, ना ये छोड़ सकता है ना ये रह सकता है। और पिछले 5 साल में जैसा तमाशा ये कल करने जा रहा है, कई तमाशे कर चुका, लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया और ये भी एक तमाशा ही है कल। अगर हुड्डा अलग पार्टी बनाते हैं तो देखिए, आदमी तो वही है, चाहे वो किसी पार्टी में है और चाहे आजाद पार्टी बनाकर कोई लड़ता है, व्यक्ति तो वही है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों केस दर्ज हैं। पार्टी बदल लेने से केस तो नहीं बदले जाएंगे, पार्टी बदल लेने से उसका इमेज तो नहीं बदल जाएगा, पार्टी बदल लेने से उसका किरदार तो नहीं बदल जाएगा, रहेगा तो वही हुड्डा जिसने जेल में जाना है। हिंदुस्तान ने पुलवामा हमले के बाद जब बालाकोट पर हमला किया था तो हिंदुस्तान के कई विपक्षी नेता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे और उसके सबूत मांग रहे थे। अब इमरान खान ने खुद मान लिया कि भारत ने जबरदस्त बालाकोट पर हमला किया था, तो अब ऐसे सब नेताओं को हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र असानंदपुर में मानव तस्करी करने का मामला प्रकाश में आया। आपको बताते चले कि पूरा मामला असानंदपुर की रहने वाली दो बच्ची अलीना फातिमा एवं जहरा फातिमा की है। दोनों किसी काम को लेकर बाजार गई थी, वहीं उन्हीं के गांव के रहने वाले मोहम्मद गाजी निवासी आसानंदपुर ने दोनों बच्चियों को बाजार में अपना परिचय देते हुए जूस पीने को कहा, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जूस पीते ही दोनों बच्चियां बेहोश हो गई। उस दोनों बच्चियों को वो कार में बैठा कर नवगछिया ले जाकर कहीं कमरे में रखा गया, फिर उसे नवगछिया स्टेशन ले जाने की तैयारी की जा रही थी, तभी किसी तरह बच्चियों के परिवार को इसकी जानकारी मिल गई। परिवार के लोग ढूंढते हुए पहुंच गए और दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया। दोनों बच्चियों ने बताया, गाजी हम दोनों को दिल्ली ले जाने की तैयारी में था, वो किसी से इस बाबत फोन पर बात कर रहा था। परिजनों ने तातारपुर थाने में गाजी के खिलाफ आवेदन देकर इंसाफ के लिए गुहार लगाई। पुलिस सारे विषय पर जांच कर रही है। अब देखना है कि मामला मानव तस्करी से जुड़ा है या कोई और बात है, पर जो भी हो इस तरह की घटना समाज को शर्मसार करने वाली है। बाकी पुलिस पर निर्भर है कि वो अपनी भूमिका कैसे निभाती है। अभियुक्त पुलिस की कस्टडी में है। भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की रिपोर्ट। हाँ, लेके गए थे, हम लोग शॉपिंग कर रहे थे ना, तो वही भूसला के लेके चले गए, उनको लेके गए नगोछिया, फिर दिल्ली लेके जाने वाले थे। क्या खिलाए थे? दवा। क्या नाम है आपका? भागलपुर सनोखर थाना अंतर्गत 9 अगस्त की रात्रि कमरूल हसन व्यक्ति की गोली मारकर अज्ञात अपराधी ने हत्या कर दी थी। मृतक के मौसेरे भाई मोहम्मद इमरान ने केस दर्ज कराया था। मृतक के पास से एक मोबाइल एवं मोटरसाइकिल गायब हो गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में तकनीकी
अनुसंधान की सहायता से पुलिस दबिश के कारण विपिन कुमार एवं संजय कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया तथा संजय महतो को कजरेली थाना अंतर्गत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया एवं विपिन कुमार एवं संजय कुमार के घर से लूटा हुआ मोबाइल एवं एक देसी कट्टा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। छापेमारी दल में कई पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी शामिल थे। भागलपुर से मोहम्मद कामरान आलम की रिपोर्ट।